मुख्यमंत्री ने आज हमीरपुर के भोरंज के कंजैण में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हिमाचल को आगे ले जाकर प्रदेश का सर्वांगीण विकास करना उनकी जीत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी काम को करने में समय लगता है, इसलिए कांग्रेस नेताओं को मंडी में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए अभी कुछ और इंतजार करना होगा। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखे राजनीतिक हमले बोले और कहा कि हवाई अड्डा कोई खेल का मैदान या स्कूल भवन नहीं है। उन्होंने कहा कि मंडी में हवाई अड्डे के लिए चयनित भूमि पर काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आने वाले समय में ये हवाई अड्डा लोगों के लिए काफी लाभकारी साबित होगा तथा इससे प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बड़े एयरपोर्ट जहां भी निर्मित होते हैं 8 साल 10 साल ऐसे ऐसे इतना इतना समय लगता है उसमें, और हम इस सारे प्रोसेस की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अगर सही मायने में लगता था कि हिमाचल प्रदेश में कोई बड़ा एयरपोर्ट बनना चाहिए, कहीं भी बनना चाहिए, अगर शुरुआत करते, पेपर मूव करते, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करते और शुरू करते तो उनको मालूम पड़ता कि भी कितना उनको तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इस प्रकार के बड़े प्रोजेक्ट को भी हिमाचल के लिए आगे बढ़ करके काम करने की ज़रूरत है। और हमने अगर कोशिश की है तो उनको इस बात को समझना चाहिए, ये लंबे समय में जनरेशन जो हमारी आने वाले समय में आने वाली हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़ा उपयोगी एक प्रोजेक्ट होगा, और हिमाचल के डेवलपमेंट से, हिमाचल के टूरिज्म से इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा एक ताल्लुक रहेगा। जयराम ठाकुर ने इस दौरान भोरंज में एक जनसभा को भी संबोधित किया और 90 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास भी किए। स्थानीय विधायक कमलेश कुमारी, जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा तथा अन्य गणमान्य लोग इस मौके पर मौजूद रहे।